कनाडा मल्टीपल वीजा क्या होता है, ये कितने टाइम का होता है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम रुक सकते हैं, किनको वीजा जो है वो इजीली मिल जाता है, क्या काम कर सकते हैं, किनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहिए और कनाडा मल्टीपल वीजा के बारे में शेयर करेंगे डीपली इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB में। कनाडा मल्टीपल वीजा के रिगार्डिंग बहुत से व्यूज के सवाल आए हुए थे। अगर सबसे पहले बात करें कि मल्टीपल वीजा होता क्या है, मल्टीपल वीजा का जो है मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल एंट्रीज जो होती हैं, कनाडा की बात करें तो कैनेडियन कॉन्सुलेट जो है वो मल्टीपल वीजा 2 ईयर से 10 ईयर्स तक का इशू करता है, जिसमें कि जितने टाइम का, जितनी वैलिडिटी का वीजा हुआ है इशू, उस टाइम पीरियड के बिटवीन आप कभी भी कनाडा में जा आ सकते हैं। अगर 10 साल का वीजा है तो आप 10 बार भी कनाडा आ सकते हैं, हर एक साल भी आप चाहे तो ट्रेवल आप करना चाहे तो बार बार आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली आपको 6 महीने की एंट्री मिलती है। मींस के जब आप कनाडा आ गए तो कनाडा एयरपोर्ट से एंट्री करने के टाइम से नेक्स्ट 6 महीने तक ही आप कनाडा में स्टे कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम विदाउट वैलिड रीजन आप कनाडा में स्टे नहीं कर सकते हैं, मींस कि इस टाइम से पहले आपको अपनी होम कंट्री में वापस आना होगा। अगर आप इस टाइमलाइन से ज्यादा टाइम कनाडा में स्टे करते हैं और कोई स्ट्रांग रीजन नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम इमिग्रेशन क्लियरेंस में मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और बहुत से केसेस में इमिग्रेशन क्लियरेंस जो है वो होती भी नहीं है। सो अगर आपके पास मल्टीपल वीजा है तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको ओवरस्टे कनाडा में नहीं होना। इसके बाद बात आती है कि अगर आपके पास मल्टीपल वीजा है तो आप कनाडा में काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये विजिटर वीजा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं है। तो अगर आप मल्टीपल वीजा पर, ठीक है ना जी, आते हैं और काम करते हैं, पकड़े गए तो आपको सीधा डिवोट कर दिया जाता है, मींस के कनाडा से वापस आपको आपकी होम कंट्री भेज दिया जाता है, और फ्यूचर में कनाडा में आना प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर आप मल्टीपल वीजा पर हैं तो जब तक आपका वीजा कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आप लीगली कनाडा में काम नहीं कर सकते। अभी बात करें कि मल्टीपल वीजा होता इशू है, किस तरह के एप्लीकेंट्स को इशू होता है, तो जो एप्लीकेंट अपनी होम कंट्री में सेटल हैं, जिनकी परमानेंट रेगुलर इनकम है, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में, अच्छी उनकी लाइबिलिटीज हैं, और उनका अपनी होम कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में किसी में भी सेटल होने का कोई रीजन नहीं है, उनको कनाडा मल्टीपल वीजा इजीली ग्रांट हो जाता है। बाकी जो एजेंट्स किसी भी, ठीक है ना, किसी भी पर्सन को मल्टीपल वीजा दिलवाने का प्रॉमिस करते हैं जो अपनी होम कंट्री में सेटल नहीं होते हैं, जिनकी इनकम 10,000, 20,000, 30,000 रुपये महीना है, वो कनाडा वीजा के लिए अप्लाई ना करें, पक्का वीजा जो है वो आपका रिफ्यूज होना ही होना है। सो इन बातों का ध्यान रख के ही कोई भी आपको डिसीजन जो है लेना चाहिए। होपफुली आपको क्लियर हो गया कि मल्टीपल वीजा होता क्या है। अगर मल्टीपल वीजा के रिगार्डिंग और कोई आपका सवाल है और कोई कंफ्यूजन है तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर ईमेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। एक्चुअली मैसेजेस, शिकायतें कई व्यूज की होती है कि सर आपका रिप्लाई बहुत लेट आता है, आपका रिप्लाई नहीं आता है, हम कॉल करते रहते हैं, कॉल अटेंड नहीं हो पाती है। तो डियर, आपको क्लियर कर दें कि एक्चुअली डेली बेसिस पर थाउजेंड्स की गिनती में, हजारों की गिनती में जो है कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो एक लिमिटेड सी टीम है, तो प्रैक्टिकल लेवल पर हर एक कॉल अटेंड करना और साथ के साथ मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो सो हमारी कोशिश रहती है जब भी पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी आपके, ठीक है ना, सवाल का जवाब दिया जाए, आपको दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाए, फिर भी आपको थोड़ा सा पेशेंस आपको रख के चलना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।